हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, बात कर रहा हूँ मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 60 तक होमवर्क दिया था। एक दो प्रॉब्लम है बेटा आपकी, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 54, यही है ना ऋतिक, और एक इलस्ट्रेशन नंबर 59। इन दोनों पे फटाफट से डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबू, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है दो अलग अलग ईयर के लिए, 2015-16 और 16-17 के लिए। और आपको क्या कहता है बेटा, इन्वेंट्री ऑन 31st of March 7 लाख और 17 लाख। बेटा 31 मार्च के दिन 7 लाख इन्वेंट्री है और दूसरे साल की 17 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख और 75 लाख। और जीपी बोलता है बेटा 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 25% मतलब 1/4। अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5, ठीक है ना जी। बेटा कहता है इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। ले भाई बात समझ। बाबू तेरे को 2015-16 में बोलता है 31 मार्च के दिन इन्वेंट्री है 7 लाख, और बेटा 16-17 में बोलता है 31 मार्च के दिन इन्वेंट्री है 17 लाख। ऋतिक ये समझ में आया कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है इस साल की, क्योंकि ये 31 मार्च की इन्वेंट्री है और ये इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। बाबू अगर कोई इन्वेंट्री 31 मार्च 16 को है, ठीक है ना, वही इन्वेंट्री 1 अप्रैल 16 को भी होगी, यानी कि इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री ये है और क्लोजिंग ये है इस साल का, तो बेटा सिस्टम खत्म। रही बात इस ईयर की 15-16 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास 7 लाख है और बेटा लास्ट लाइन में बोलता है कि 15-16 में इन्वेंट्री 2 लाख रुपये से बढ़ गई, 2 लाख से बढ़ गई। इसका मतलब है बेटा साल के शुरू में ये कितनी होगी, 5 लाख होगी, तभी तो बेटा 7 लाख हो गई, 2 लाख से बढ़ गई, खत्म। है क्या और, यही प्रॉब्लम पूछ रहा था ना, तो है क्या इसमें, ठीक है ना, बाकी ओके बढ़ें जी। चलो जी, लो बेटा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 59। सिंपल है ये भी, कोई खासा कोई मुश्किल नहीं होगा। बेटा कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, ठीक है, यानी कि सेल्स, लेकिन मुझे तो कॉक्स चाहिए बेटा। और बोलता है जीपी 25% ऑन कॉस्ट, 25% मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। बेटा 1/4 ऑन कॉस्ट दैट मीन्स 1/5 ऑन सेल्स। तो बेटा लो कैलकुलेट करो फटाफट से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बेटा मुझे कॉक्स निकालना है, कॉक्स का फॉर्मूला लगाओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख दिया हुआ है माइनस जीपी, जीपी 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ सेल्स, और ये रही सेल्स, 1/5 ऑफ सेल्स आ गया जी, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री की बात करनी है, पढ़ते चलो। कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 30% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो है क्या यार इसमें। लो जी मैं कहता हूँ इससे तुच्छे कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकते। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी बोली इसने, कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री है 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो इसने बोला मैंने तो वो लिख दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख दिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, कहता है 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसे ही है ना, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर पुट करो बेटा, कितनी थी, 2 लाख थी, यानी कि बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, और अगर क्लोजिंग 60 थी तो बेटा ओपनिंग कितनी आ गई, 20,000, खत्म। एवरेज कितनी आई होगी, 40, ले भाई 4 टाइम्स आ गया आंसर। नहीं बुद्धू बना रही, चलो जी बेटा अब मैंने आपको एक बात बोली है, आज से टारगेट हमारा फिक्स है, इलस्ट्रेशन 60 तक हो चुका है, 10 रोज करेंगे बेटा, ठीक है। अभी भी 7 दिन लगेंगे चैप्टर फिनिश करने में, अगर 10 रोज भी करेंगे तो, ठीक है जी बेटा। अब 10 रोज कर रहे हैं आज, 61-70 और यही क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। मैं इलस्ट्रेशन करूंगा, आप क्वेश्चन करोगे, कान खोल के सुन लो बेटा, ठीक है ना, सरसों का तेल डाल के अगर सुनाई ना दे तो बाबू क्वेश्चन करके आने, इलस्ट्रेशन नहीं, ठीक है जी, मैं इलस्ट्रेशन करूंगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 60 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस बार आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो नहीं निकालनी, निकालना क्या है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। गिवन क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जीपी
क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 20,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। लो प्यारे बच्चों, हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरी तरफ देखना बेटा। बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 61 की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है 5 times गिवन है, सॉरी कॉक्स था यार बेटा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बाबू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है, कॉक्स कैसे निकलेगा बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, जीपी रेशो भी गिवन है। अगर कभी ना बताए कि बेटा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है, तो हमेशा सेल्स पर है, ठीक है ना बेटा? तो यानी कि डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। बाबू कॉक्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, ठीक है जी। बाबू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 lakh और जीपी है 25% अपॉन AI, और यार 8 lakh है। लो जी बेटा एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया? ये आएगा 6 lakh, और बेटा मैंने 5 को बेटा डिवाइड में ले गया हूँ, एवरेज इन्वेंट्री इज 1,20,000। ये बताओ कोई दिक्कत आई नहीं होगी बेटा? एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो गई 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री किसके बराबर होती है बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है ना? 2 भी मल्टीप्लाई में चला गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,40,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ में आया? ये तो बिल्कुल सिंपल है यार, ये तो ऐसे लग रहे हैं मुझे, बस फूक मारो और उड़ाओ इनको। बेटा आपको क्या कहता है? एक चीज देता है, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 20,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। बाबू कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है, यही तो बोला इसने। लो जी क्लोजिंग की वैल्यू ये पुट कर दो बेटा, आ जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना? करके दिखाऊं, ये लो क्लोजिंग की वैल्यू पुट करो, ओपनिंग प्लस 20,000, ओपनिंग की वैल्यू ओपनिंग है ही बाबू, ये है 2,40,000 के इक्वलेंट, टू ओपनिंग इज इक्वल्स टू 2,20,000, और बेटा ओपनिंग की वैल्यू आ गई 1,10,000। अगर ओपनिंग की वैल्यू 1,10,000 है, यहाँ पुट करोगे तो क्लोजिंग की वैल्यू आएगी 1,30,000। क्वेश्चन फिनिश, इतना थकावा क्वेश्चन, ठीक है जी। बाबू जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं करा या बेटा ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा, वो शक्लें देखते ना अच्छा लगेगा उनको, ठीक है ना? लग रहा होगा ना अनुराग, बहुत अच्छा भाई, मैं इतनी डरावनी शक्ल से मुझे देख रहा भाई, ऐसे ही होता है जब छुट्टियाँ करते हो भाई, ठीक है ना? क्यों अपूर्वा? हाँ भाई बेटा आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 62। और बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 62 के 4 अलग अलग पार्ट हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 तो करेंगे ही करेंगे। लो बेटा आप पढ़ना शुरू करो फटाफट से, मुझे ये बताओ बेटा क्या समझ में आया, मैं पूछूंगा आपसे। गंगा क्या कैलकुलेट करना है मुझे? अच्छा तो क्या करूं, कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे कैलकुलेट होगी? क्या मुंह में क्यों बोल रही है? 2 मोहल्ले तक तेरी आवाज निकल जाती है, बस इस कमरे से बाहर निकलने की देर होती है। क्यों पूछना अगला, यही पूछूंगा मैं गपोड़न। बेटा क्वेश्चन में गिवन है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कैश सेल्स, और बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि क्रेडिट सेल्स। मुझे क्या मतलब कैश और क्रेडिट सेल्स है? मुझे तो सेल्स से मतलब है, सेल्स माइनस जीपी मतलब कॉक्स, और बेटा जीपी देता है 1,00,000 रुपये, सब कुछ तो दिया हुआ है, तो करना क्या है बेटा? बाबू ITR फॉर्मूला लगाओ, कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ITR गिवन है बेटा 5, कॉक्स गिवन है, कैसे निकलेगा बेटा? मुझे तो सेल्स माइनस जीपी चाहिए, सेल्स का टोटल 5 lakh माइनस जीपी 1,00,000 गिवन है, तो बेटा यू कैन ईजली कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ रही होगी बेटा 1,00,000 रुपये, ठीक है ना? ये 5 lakh ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी बेटा 1,00,000। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा 2,00,000 के बराबर आ गई। अब कोई सा केस करा लो बेटा। केस 1 बहुत सिंपल है बेटा,
केस वन क्वेश्चन नंबर 61 की तरह ही है, तो केस वन नहीं कर रहे, केस टू और थ्री जरूर करेंगे, ये बड़े काम की बात है और बहुत आराम से पढ़ना। मेरी तरफ देखना बेटा, मैं केस टू कर रहा हूँ। कहता है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज थ्री टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। बेटा क्या कह रहा है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज थ्री टाइम्स देन इन द बिगिनिंग। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री तीन गुना हो जितनी शुरुआत में इन्वेंट्री थी उसका, तो बेटा मैंने कुछ नहीं करा। स्टेटमेंट को अगर आप परफेक्टली रीड करते हो तो बेटा इक्वेशन बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। क्लोजिंग इन्वेंट्री तीन गुना है ओपनिंग की, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर पुट कर सकते हो। लो जी, ओपनिंग प्लस थ्री ओपनिंग इज इक्वल्स टू 2 लाख, फोर ओपनिंग इज इक्वल्स टू 2 लाख, यानी कि ओपनिंग आ गया 50,000। अगर ओपनिंग 50,000 आ गया, यहाँ पुट करो तो क्लोजिंग आ जाएगा बेटा 1.5 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई। केस टू और थ्री में जमीन आसमान का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, ढंग से रीड करना। कहता है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज थ्री टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। रीड किया जा रहा है, रीड किया जा रहा है, एक बार देखना जरा सेकंड और थर्ड में वर्ड का हेर फेर है या है ही नहीं हेर फेर। यार या तो तू ये कह देता कि क्लोजिंग इन्वेंट्री थ्री टाइम्स है ओपनिंग का, जैसे कि केस टू में का। इसने ऐसे नहीं बोला, इधर देखना मेरी तरफ, इसने बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज थ्री टाइम्स मोर देन दैट इन द ओपनिंग। बेटा सुन लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री किसके बराबर है, तीन गुने से ज्यादा है जितना ओपनिंग में है, यानी कि जितना ओपनिंग में वो तो है ही है और तीन गुना ज्यादा है, यानी कि कुल मिलाकर 4 गुना है ओपनिंग की। सुन लो बेटा दोबारा रीड करने का तरीका, ठीक है ना, रट्टा मत मारो बेटा। केस टू पढ़ना एक बार ढंग से। केस टू, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज थ्री टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री, इधर देखना, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री थ्री टाइम्स हो दैट इन द बिगिनिंग, जितना बिगिनिंग में उसका तीन गुना, तो और यहां क्या बोला केस थ्री में, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज थ्री टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। जितना बिगिनिंग में वो तो है ही है, थ्री टाइम्स मोर है, यानी कि टोटल 4 गुना है उसकी। रीड किया जा रहा है बेटा, और आपको बता देता हूं ऐसा क्वेश्चन मैक्रो में भी कभी ना कभी आया था, मैंने कराया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मेरे को पक्का याद है बेटा, इतनी कमजोर याददाश्त नहीं मेरी कि मैं ये बता ना सकूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक क्वेश्चन पक्का ऐसा आया था, ठीक है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज थ्री टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, जितना बिगिनिंग में वो तो है ही है, तीन टाइम्स और ज्यादा है, यानी कि टोटल 4 गुना है। ठीक है रिया, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग आपने इक्वेशन बनाई हुई है 2 लाख के बराबर है, क्लोजिंग की वैल्यू पुट करो बेटा 4 ओपनिंग, तो बेटा 5 ओपनिंग किसके बराबर है 2 लाख के, तो बेटा ओपनिंग किसके बराबर है 40,000 के, तो क्लोजिंग आ जाएगा बेटा 1,60,000 के बराबर। ठीक है, पार्ट 4 बहुत ईजी है, ये हो जाएगा। पार्ट 4 में कुछ भी नहीं, बना दो क्या इक्वेशन, इधर देखना। कहता है इफ द ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द क्लोजिंग, ये लो पार्ट 4 इतना ईजी है, इसी वैसे मैं कर नहीं रहा। ठीक है जी, चलो बढ़ो आगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर, थका हुआ सही है यार ये तो, चलो कर लो भाई, फिर तुम कहोगे कराया नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 63 पढ़ो जी, वैसे तो 64 भी मैंने देख लिया, उसमें भी कुछ नहीं है बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, ITR 3, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। बेटा अगर कभी ये ना बताया हो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का या सेल्स का, तो हमेशा सेल्स का ही है, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्टली इंप्लीमेंट होगा बेटा। 6 लाख बेटा सेल्स है, 25% GP है, डायरेक्टली माइनस कर दोगे कॉक्स आ जाएगा 4.5 लाख, यही आएगा ना बेटा। बाबू ये देखो, मैं बीच में से ही कहीं जगह ढूंढू क्या, लो यार पहले रबी कर लो, मुझे बड़ा आलस रखता है। लो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 63 बेटा, फॉर्मूला लगा रहा हूँ ITR का, कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बेटा ITR है 3, कॉक्स का फॉर्मूला लगाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस GP अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, GP 25%, तो बेटा कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री 1.5 लाख, ये 4.5 लाख आएगा, 3 से डिवाइड करूंगा 1.5 लाख। फॉर्मूला लगाओ जी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2,
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 3 लाख। चलो जी बेटा अब देखो क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 25% ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अबे क्या खोदा पाड़ और निकली चुईया, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 25% ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही तो बोलता है बेटा। क्या तो बोला यार, ये लो 25% लिखना चाहो 25, 1/4 लिखना चाहो 1/4, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। 0.25 लिखना चाहो 0.25, 25% का मतलब क्या है बेटा, 25/100, चाहे आप 0.25 लिख लो चाहे 1/4 लिख लो, 1/4 लिखना ज़्यादा आसान हो सकता है मुझे लगता है बच्चों के लिए। तो बेटा आप LCM लोगे ये क्या आएगा, 5/4 क्लोजिंग इज इक्वल टू 3 लाख। बेटा आप इजली कैलकुलेट कर सकते हो, क्लोजिंग आएगा 2,40,000। अगर क्लोजिंग 2,40 है दैट मीन्स ओपनिंग 60,000 है बेटा, क्योंकि 1/4 है ना उसका। क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी, ओके बात बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 64, ठीक है ना। मुझे लगता है अब मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं पूछूंगा भाई, राहुल भाई क्वेश्चन पढ़ो जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 64। देख रहे थे कितना खुश हुआ, ऐसे ही होते हैं दोस्त, क्या हंसी नहीं रुक ली भाई अगले की। 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर इज 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी, दो चीज़ें तो पता ही हैं तीन में से। कहता है इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, कैलकुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री। राहुल मेरे से पहले आप एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कराओ सबसे पहले, सारे काम धंधे छोड़कर। राहुल भाई अगर ज़्यादा सॉल्यूशन देखेगा तो क्वेश्चन करा लूँगा। हाँ चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 64 बेटा, फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ITR कितनी गिवन है, 8 कॉक्स, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री आएगी 25,000। फॉर्मूला क्या एवरेज इन्वेंट्री का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 25,000, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग किसके बराबर आ गया, 50,000 के। सबसे पहले तो ये इक्वेशन बना लिया करो, कभी भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग निकालना हो तो। भाई अब बता क्या करूं, कहता है इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, हाँ इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1.5 खत्म प्लस, वेरी गुड, शुक्र है भाई, बहुत ही बढ़िया बेटा। अभी भी ये बात बोली थी आपको, कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, 1.5 टाइम्स से भी ज़्यादा है, मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। यानी कि बेटा इन्वेंट्री जितनी एंड में वो तो है ही है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा और, यानी कि बेटा कुल मिलाकर 2.5 गुना, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट रीड कर लो के बेटा, बस फिर आपको फंसा नहीं सकता, बस ये आपने स्टेटमेंट कर ली बस क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके बाद। तो ये क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में आएगा, और जनरली 12th क्लास तक हमें पता है क्या लगता है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में आ जाए कि हमने कुछ गलती कर दी, 12th क्लास तक यही होता है बेटा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राउंड ऑफ में नहीं जा रहा ना, हमें लगता है यार हमने गलत कर दिया, ये फोबिया दूर कर लो बेटा, कुछ भी हो सकता है। CA फाइनल में हमें लगता है राउंड ऑफ कैसे हो गया, ये तो गलत किया मैंने, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। पॉइंट के बेटा 10-10 डिजिट तक की बात करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 65। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ GP एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस बार कुछ नया कैलकुलेट कराता है, इस बार ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करना है। बेटा देखो एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ देखना, इसने बोला ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिंपल सी बात बोलूँ, इन तीन में से दो बातें जरूर बताऊंगी और आपको बता देता हूँ, वो आपको ये देखे ना रायता नहीं फैलाएगा। अगर वो कॉक्स दे देगा, कॉक्स एक लौता ऐसा रास्ता है जिससे आप GP और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करोगे, वो डायरेक्टली ये तो देगा नहीं और रायता तो फैलाएगा नहीं, वो आपको देगा क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देगा, इस बार एवरेज इन्वेंट्री देगा। पहले कॉक्स कैलकुलेट होगा, कॉक्स से जाओगे आप GP और बेटा फिर जाओगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर।
ठीक है ना बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होता है? कॉक्स किसके बराबर होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी ना, यानी कि बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके बराबर होगा? कॉक्स प्लस जीपी, ठीक है ना। पहले ये कैलकुलेट कराएगा आपसे, पक्का, बिल्कुल पक्का, फॉर श्योर। चलो जी देखते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 65, जीपी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालें। देखो एवरेज इन्वेंट्री गिवेन है, गिवेन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवेन है, गिवेन है। सेलिंग प्राइसेस 1/4 अबव कॉस्ट, कहता है सेलिंग प्राइस कितना है बाबू? कॉस्ट का 1/4, और कॉस्ट ही निकलेगी तो सीधा सीधा लग जाएगा फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। लो जी करते हैं कैलकुलेट बेटा, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लिखा ही हुआ है बेटा। बाबू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 times कॉक्स कैलकुलेट करना है, और ये बेटा एवरेज इन्वेंट्री 80,000 देता है, तो कॉक्स कैलकुलेट हो जाएगा बहुत सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो करी मैंने, निकल गया। जीपी कैलकुलेट हो जाएगा बहुत सिंपल, 1/4 ऑफ कॉस्ट दे रखा है। हाँ अच्छा, सेलिंग प्राइस तो बेटा जीपी का मतलब तो वही है। देख एक बात सुन, वो कहता है सेलिंग प्राइस कितना है 1/4 अबव कॉस्ट, कॉस्ट में 25% ऐड करके बेचते हो, तो जीपी का मार्जिन कितना हुआ? 1/4 ही तो हुआ, जीपी कितना हुआ? 1/4 ही तो हुआ। ये लो आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना बेटा? 6 लाख। देख इधर, देख मैं इधर आऊँ, उसने क्या बोला, ये क्या है सेल प्राइस कैसे निकलेगा? कहता है कॉस्ट में 1/4 ऐड कर दो, 1/4 अबव कॉस्ट, तो मैंने उसी से तो निकाला, यानी कि जीपी का मार्जिन 25% ही तो हुआ, ठीक है ना जी बाबू। अच्छा ये आसान नहीं पड़ रहा आपको एक्स मानने के कंपैरिजन में, 1/4, 1/3, 1/5 जो कल बात बताई, आगे पता नहीं कहाँ कहाँ से। चलो जी बेटा, कल तो कह रही थी एक्स बहुत आसान है। हेलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 66, एक्स आसान है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डेटा माइन द जीपी एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यार ये सेम है लेकिन इस बार जीपी का मार्जिन देखना कैसे देता है, 1/4 ऑफ सेल्स, अगर कोई चीज 1/4 ऑफ सेल्स है दैट मीन्स 1/3 ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट ही निकलेगी आपकी, पहले तो कॉक्स ही निकलता है ना बेटा। लो जी कैलकुलेट करते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 66, और जैसे जैसे बेटा हम पास जा रहे हैं वैसे वैसे छुट्टी आ रही है आपकी। बाबू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 3 times कॉक्स, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 95,000, तो बेटा कॉक्स आ गया 2,85,000, और आपको कहता है जीपी कितना है बेटा? 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट सिंपली मीन्स 1/3 ऑफ कॉस्ट, इसका 1/3। लो भाई क्वेश्चन भी खत्म हो गया, 380 आया होगा सेल प्राइस। चलो कह दो मैं हवा में, ऐसे तो हमारे आगे आ भी ना जाए भाई, कहते तो हम गिनते भी नहीं, कोई क्वेश्चन आया ये पेपर में। चलो जी लो बेटा आगे बढ़ते हैं, 67th की बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। चलो पहली ट्राई आपकी, पहली ट्राई आपकी है बेटा, खुद से एक बार ट्राई करो। लो बेटा मैं ही करता हूँ एक बार क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 67, सुनना बहुत आराम से जरा बेटा। मेरे को लिक्विड रेशो देता है 1.5:1, करंट रेशो देता है 2:1, इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो वाज 6 times, करंट एसेट देता है 2 lakh, फाइंड आउट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है निकल जाएगा, क्या मुश्किल है बेटा। सबसे पहले ये देखो आपको स्टैट्स क्या गिवेन है, मेरे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवेन है बाबू, फॉर्मूला होता है कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवेन है, अगर बेटा इसमें से एवरेज इन्वेंट्री गिवेन होता ना, मैं कॉक्स निकाल लेता और डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाता, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मार्जिन भी गिवेन है। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या करा, दो दो वेरिएबल छोड़ दिए, ना तो ये गिवेन है बेटा ना ये गिवेन है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से अकेले से तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इन्वेंट्री तक पहुंच जाऊं किसी तरीके तक, कोई भी तरीका लगाऊं यहां पहुंच जाऊं, तो बेटा फिर मैं कॉक्स निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो चलो एवरेज इन्वेंट्री के लिए मेहनत करते हैं, कैसे निकलेगी सब मेरी तरफ देख रहे हैं। बेटा आपको करंट रेशो गिवन है, करंट रेशो का फॉर्मूला CA/CL, और ये रेशो 2:1 है, और CA है बेटा 2 lakh, तो करंट लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा,
करंट लाइबिलिटी बेटा 1 लाख आएगी, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2। बेटा लिक्विड रेशो का भी फॉर्मूला गिवेन है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये है 1.5 रेशो 1। तो बेटा करंट लाइबिलिटी आपने अभी कैलकुलेट करी, इसकी फिगर आपने पुट कर दी यहाँ पर, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी बेटा 1,50,000। सर आपके पास करंट एसेट है 2 लाख, लिक्विड एसेट है 1.5 लाख। आपको पता होना चाहिए लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट होती है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। अगर प्रीपेड गिवन नहीं है तो बेटा आप एज्यूम कर सकते हो 0। ये 1.5 लाख है, ये 2 लाख है, प्रीपेड को 0 एज्यूम कर सकते हो, इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी 50,000। अब बेटा आपको बता देता हूँ इन अ नॉर्मल सेंस ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ही कैलकुलेट होती है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ही कैलकुलेट होती है बेटा, ठीक है ना। अब क्या करूँ मैं, मुझे तो चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बेटा क्या करूँ, ओपनिंग को 0 मान लो, मानना मत 0, वजह बता रहा हूँ मैं इसकी। बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री नॉर्मली एक बिजनेस में बस तभी 0 होती है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो, नॉर्मल केस में 0 नहीं होती ना। वैसे ही एक क्लोजिंग इन्वेंट्री ही कैलकुलेट होती है, क्योंकि इसमें बेटा लैक ऑफ स्टैट्स हैं, मेरे पास पूरे स्टैट्स नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे गिवन नहीं है, तो आप इसको एवरेज मान के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 0 नहीं मानना ओपनिंग इन्वेंट्री को, क्योंकि नॉर्मल केस में वो 0 नहीं होती, बस बेटा बिजनेस में पहले साल ओपनिंग इन्वेंट्री 0 होती है, उसके बाद कभी भी 0 नहीं होती, ठीक है ना। तो अजम्पशन लेनी भी हो ना ढंग की लेते हैं बेटा, रायता नहीं फैलाते, ठीक है ना। अब अजम्पशन लेने का तरीका समझा ना आपने, ओपनिंग इन्वेंट्री नॉर्मल केस में 0 नहीं होती ना, तो मानो भी मत बेटा, मान के चलो साल के शुरू में भी इतनी इन्वेंट्री होगी, साल के आखिरी में भी इतनी थी, यानी कि एवरेज भी यही इन्वेंट्री है, ठीक है जी। बस अब क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन थी मुझे 6 कॉक्स अपॉन AI 50,000 एवरेज इन्वेंट्री, कॉक्स कैलकुलेट होकर आया 3 लाख, कॉक्स 3 लाख है। बेटा कहता है फाइंड आउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ गुड्स आर सोल्ड 1/4 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बेटा कॉस्ट का 1/4 कमाते हो, इसी का 1/4 यानी कि GP आया 75, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 375, खत्म, सिंपल। क्या चीज, ये 3 लाख आया समझ आया, तो बाकी करा क्या मैंने भाई। फॉर्मूला क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, देख कॉक्स कैसे निकाल रहा था तू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस GP ऐसे ही तो निकाल रहा था। मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है, कॉक्स प्लस GP, यही तो है। कॉक्स कितना है 3 लाख, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, कहता है 1/4 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 1/4, इसी का 1/4, कितना हो गया 75, कितना आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 375, ठीक है जी, बढ़े आगे। लो बेटा 68, ये क्वेश्चन तो आप चाहोगे मैं ही करूं बेटा, और बेटा 69th, अच्छा ये तो आप बिल्कुल चाहोगे ये तो मैं ही करूं बेटा, और कौन करेगा, ठीक है ना। 68, 69th ये तो मैंने ही करने हैं बेटा, चलो करते हैं बाबू। बाबू पढ़ना जरा क्या क्या गिवन है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 times, इन्वेंट्री एट द एंड इज 5,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, GP रेशियो 1/4 ऑन कॉस्ट, करंट लाइबिलिटी 60,000, क्विक रेशियो 0.75, आपको जो जो कैलकुलेट करना है रीड कर लो, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत थका हुआ है यार, मैंने सोचा मुश्किल होगा। लो बेटा खैर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में बेटा, एक मिनट में कर देता हूँ 68, और फिर 69 पे मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, 69 क्वेश्चन बहुत गजब है बेटा। लो बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 68, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 times, आपको देता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी और बेटा GP भी बताता है 1/4 ऑन कॉस्ट है। अगर GP 1/4 ऑन कॉस्ट है दैट मीन्स 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, और बेटा सेल्स दी हुई है आपको 2 लाख, 2 लाख में से क्या करूँ बेटा 1/5 माइनस कर दो, 1/5 मतलब 40,000। बेटा एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट होकर आ गई कितनी, 160/5, 32, बेटा 32,000 रुपये कैलकुलेट होकर आ गई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू 32,000, ये कैलकुलेट होकर आ गया 64, ओके बात। बेटा
अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, कहता है बेटा सेकेंड पॉइंट पढ़ो, इन्वेंट्री एट द एंड इज 5000 मोर, इन्वेंट्री एट द एंड इज 5000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, ठीक है ना। यानी कि बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 5000 ज्यादा है, कर दो बेटा वैल्यू पुट, क्या हो गया, क्लोजिंग की वैल्यू पुट कर रहा हूं 5000 प्लस ओपनिंग, टू ओपनिंग इज इक्वल्स टू 59000, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 29500 और क्लोजिंग आ गई बेटा 34500, ठीक है जी। ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, आपको और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हो गया बेटा ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 160। सेकेंड पार्ट ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया जी। बेटा मुझे कैलकुलेट करना है क्विक एसेट और करंट एसेट्स, लो जी ये भी हो जाएगी बेटा। सिक्स्थ रेशो दी हुई है आपको, क्विक रेशो 0.75, फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और आपको करंट लायबिलिटी भी गिवेन है, करंट लायबिलिटी देता है बेटा फिफ्थ पार्ट में 60000, यानी कि लिक्विड एसेट्स 45000, लिक्विड एसेट्स 45 आ गई, करंट एसेट्स तक पहुंचना है, फॉर्मूला लगाओ जी, लिक्विड एसेट्स में ऐड कर दो इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड, प्रीपेड नहीं गिवन, जीरो एज्यूम कर सकते हो, इन्वेंट्री सिर्फ क्लोजिंग ऐड करते हैं, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड नहीं करनी। क्लोजिंग कितनी कैलकुलेट करी थी आपने, कितना है 79500, ठीक है जी, ओके। बात बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 69, हो सकता है बेटा मैं ये लास्ट क्वेश्चन कराऊं, लेकिन एक काम करते हैं, एक तो यार और बनता है, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 70 से पहले एक फॉर्मूला, ठीक है, ये तो मेरे को कराना ही कराना है बेटा, एक तो नया फॉर्मूला डिस्कस करना ही करना है, फिर करूंगा 69, पहले इलस्ट्रेशन 70 करेंगे और मैं रेशो पे एनालिसिस भी करूंगा, पहले एक फॉर्मूला बेटा, सब सामने देख रहे हैं और बहुत आराम से फॉर्मूला समझेंगे बाबू, लास्ट कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करना, कंसेप्ट नंबर 65 ही, जिसमें हम लिख रहे थे बेटा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, उसमें मैं सेकंड रेशो लिखवा रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला है बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, लिखना बेटा फिर बात करता हूं बेटा। अब पहले एक बात बहुत आराम से समझ लो, फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे बाबू। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला है बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, बहुत आराम से बात को समझना, पहले इस पर सिंगल स्टार और इस पर डबल स्टार, आपको पता है ना बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, सिर्फ उधार सेल्स, कि आप उधार पर कितना माल बेचते हो, बस वो लिखना है आपको बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। एंड व्हाट अबाउट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, बेटा ट्रेड रिसीवेबल में दो बातें आती हैं, एक डेटर और दूसरे बीआर, यानी कि सिंपल बोलू तो बेटा ओपनिंग डेटर प्लस बीआर, ओपनिंग डेटर एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर अपॉन टू, ये मतलब है बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है ना। ओपनिंग डेटर एंड बीआर दो ही चीजें तो आती हैं ट्रेड रिसीवेबल में, चैप्टर वन याद कर लो बेटा, आज याद आना मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब दो बातों से है, डेटर और बीआर से, और जब एवरेज वर्ड आ जाता है यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। मैंने रेशो अभी तक समझाई क्या, मैंने तो इसका मतलब समझाया, रेशो तो नहीं समझाई, अब आएगी ना रेशो समझ। चलो जी पहले इलस्ट्रेशन 70 मेरे साथ करेंगे, फिर नोट डाउन करने का टाइम दूंगा, क्योंकि अभी तक तो आपने बेटा सिर्फ फॉर्मूला रटा है, रेशो का मतलब ही नहीं पता लगा अभी तो आपको, रेशो का मतलब समझाना है मुझे बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 70 रीड करना आप फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर 70 बोलता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल सेल 2,00,000, आपको कहता है बेटा सेकंड में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कैश सेल 40,000, बेटा टोटल सेल 2,00,000 है,
कैश में नगद में बिका माल 40,000 का, तो उधार 1,60 का ही तो बिका होगा, ये तो सिंपल निकल जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 20,000, एट द एंड ऑफ द ईयर 60,000। लो प्यारे बच्चों, है क्या क्वेश्चन में, ठीक है ना। फॉर्मूले के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है बेटा, क्योंकि रटने में आप PhD हो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है बेटा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 160 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। आंसर इज 4 times। मेरी तरफ देखना, कोई समझा सकता है मुझे इस रेशियो से हमें क्या समझ में आ रहा है। वन फोर्थ, चलो मैं बताता हूँ बेटा, हम जितना उधार पे माल बेचते हैं, आप देखो मेरी तरफ बेटा, हम जितना उधार बांटते हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, डेटर और भैया, जिनको मैं उधार पे गुड्स बेचता हूँ उन्हें तो बेटा डेटर बोलता हूँ, ठीक है ना। इनडायरेक्टली मैं बोल दूँ अभी इसको डेटर बोल देता हूँ, भैया से कन्फ्यूज मत होना। मैं एवरेजली बेटा एक टाइम पर 40,000 का उधार देता हूँ, एवरेजली, एवरेज एवरेज उधार मेरे बिजनेस में बेटा 40,000 का होता है, और बेटा उससे मैं 4 गुना सेल्स करता हूँ। देख लो उधार की सेल्स को कंपेयर कराया, यानी कि बेटा इधर देखना मेरी तरफ, मैंने उधार बांटा, मैं एवरेजली 40,000 का उधार देता हूँ ना। एक इंसान आया 40,000 का माल ले गया, ठीक है, थोड़े दिन बाद आया पैसे दे गया, फिर मैंने 40 का उधार दे दिया, फिर थोड़े दिन बाद आया पैसे दे गया, मैं 40 से ज़्यादा उधार देता नहीं, फिर बेटा मैंने उधार, मैंने बेटा 4 बार सेल कर दी बेटा, 4 गुना सेल कर दी। मैं 40,000 से ज़्यादा उधार देता नहीं हूँ, तब भी मेरी साल की सेल बेटा उधार सेल 1,60,000 है, यानी कि बेटा मैं 4 गुना सेल कर देता हूँ, जितना मैं उधार बांटता हूँ उसका 4 गुना सेल कर देता हूँ। समझ आई बात, ठीक है ना। कैश से कंपेयर क्यों नहीं कराया बेटा, कैश का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है ना। डेटर क्या होते हैं, जिनको मैं उधार पे गुड्स बेचता हूं, मैं एक टाइम पर 40,000 से ज्यादा उधार भी नहीं बांटता, तब भी मेरा माल बेटा 4 बार बिक जाता है, 1,60,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स कर देता हूं, ठीक है ना। अगर कोई पूछे बेटा यहां से एक और रेशियो भी बन सकती है, वहां पर आपने होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करा था ना, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, बेटा यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एक बार उधार बांटने के बाद कितने दिन में वापस आता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दैट मींस 4 times। दैट सिंपली मींस, पॉइंट में तो मुझे जाना नहीं, आप बेटा कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 92 days। पॉइंट में कैलकुलेट नहीं होते दिन, 91.25 कैलकुलेट हो रहा होगा, इसलिए मैंने लिखा 92 days ही है। यानी कि बेटा अगर मैं एक बार 40,000 रुपये का माल उधार पर बेचता हूँ तो 92 days के बाद पैसे आ जाते हैं, फिर मैं उधार पर भेज देता हूँ फिर 92 days बाद आ जाते हैं, फिर 40,000 का उधार पर माल भेज देता हूँ फिर 92 days बाद आ जाते हैं, फिर 40,000 का माल बेचता हूँ। साल में 4 बार तो मैं माल भेज देता हूँ बेटा, एक टाइम पर 40,000 से ज़्यादा उधार भी नहीं देता, और बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड 92 days है, यानी कि 92 दिन के अंदर अंदर पैसे मिल ही जाते हैं मुझे वापस। रीड किया जा रहा है ना, जिसने बेटा पिछली रेशियो ढंग से पढ़ी है ना उसको तो इसको कुछ भी नहीं लग रही होगी। ओके रिपोर्ट, ठीक है जी, समझ आई। अभी इसके ऊपर बेस कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैंने बस आज एक ही क्वेश्चन करा, कल करेंगे इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन। अब बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 69 रीड आप कर रहे हो बेटा, फिर मैं पढ़ता हूं। लो बेटा बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 69 अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये। बाबू कहता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। बाबू ITR कैलकुलेट करना है आपको, क्या देता है, परचेज ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में अभी तक, आगे बढ़ोगे तो बेटा सब कुछ इसी क्वेश्चन में। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला है कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉक्स के लिए आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ कुछ नहीं पता तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग से भी कैलकुलेट हो जाती है, कल सबसे बेसिक फॉर्मूला यही बताया था बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा 10,000, परचेजेस कितनी है 80,000, क्लोजिंग 30,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दिस प्लस दिस अपॉन 2 कैलकुलेट हो जाएगा बेटा।
60/20, यानी कि बेटा ITRS 3 times। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ो जी बेटा, मैं इसके लिए क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट ऑल्टर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इनमें से कौन सा बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को इंक्रीज करेगा, कौन डिक्रीज करेगा और किसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं होंगे। लो जी बेटा फर्स्ट पार्ट, ये 6 के 6 मुझे करने हैं बेटा। कहता है सेल ऑफ गुड्स फॉर 10,000 कॉस्ट 8,000, 8,000 रुपये की कॉस्ट के गुड्स आपने 10 में बेच दिए। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, जब मैंने बेटा 8,000 रुपये की कॉस्ट के गुड्स बेच दिए, ठीक है ना बेटा, आपको नहीं लगता मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी? सर मेरी दुकान के अंदर स्टॉक पड़ा है 30,000 रुपये का साल के आखिरी दिन। ये कह रहा 8,000 का माल बेच दिया तूने, तो सर स्टॉक ही तो कम हो जाएगा। वो बात अलग है कि आपने 10 में बेचा, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा बेटा, मेरे को क्या करना है प्रॉफिट का? या तो मैंने फॉर्मूला लगाया होता सेल्स माइनस जीपी, मुझे टोटल सेल पता होते, टोटल जीपी पता होता, तब तो मैं करता प्रॉफिट का। या मेरे को फॉर्मूला के हिसाब से ना सेल्स पता ना टोटल जीपी पता, मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज बेटा, परचेजेस भी एज इट इज, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या होगा? कहता है 8,000 का सामान बेच दिया, अगर मैंने 8,000 का सामान बेच दिया तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 22 रह जाएगी, ठीक है ना। और एवरेज इन्वेंट्री 10 + 10/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16,000। तो बेटा कैलकुलेट होकर आएगा 68/16 यानी कि 4 times से कुछ ज़्यादा, ठीक है ना, 16 × 4 = 64 होता है, 4 times से कुछ ज़्यादा, यानी कि बेटा एग्जैक्ट बोलूँ तो 4.25 times, और दैट सिंपली मीन्स इंक्रीज। समझ आया फर्स्ट पार्ट? इसमें ना आपको ये बता देता हूँ, आगे जाके परेशानी इसलिए करता है क्योंकि बेटा इसमें कई चीज़ें परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों पर इम्पैक्ट डालती हैं। अब देखना, अब सुनना, देख तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, मुझे पता ही है फंसेगा कहीं ना कहीं। सेकेंड वन पढ़ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। कहता है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से बढ़ गया, सिंपल है, मेरी तरफ देखना, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से बढ़ गया, यहाँ पर भी इम्पैक्ट आएगा और यहाँ पर भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। जल्दी से करते हैं बेटा, ये आसान है, इसको जल्दी जल्दी निपटाओ। ओपनिंग सेम, परचेजेस सेम, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से बढ़ गया, मैंने 10 से बढ़ा दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 = 25, 50/25, ये रेशियो बढ़ी, बची 2 times, दैट मीन्स रिड्यूस। ओके, ये तो कुछ भी नहीं था। पार्ट नंबर थर्ड, जो आसान है बेटा उसको फटाफट से निपटाओ। बेटा कहता है गुड्स परचेज फॉर 20,000, मेरे प्यारे बच्चों बड़े काम की बात, कहता है आपने गुड्स खरीदे 20,000 के, जब मैंने गुड्स खरीदे परचेज बढ़ेगी? सर दुकान के अंदर स्टॉक, सर अब तो 31 मार्च को ज़्यादा ही होगा, ये भी बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो इम्पैक्ट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना। इसमें मुँह जवानी कैलकुलेशन चलती नहीं है बेटा, यहाँ आपकी सारी मुँह जवानी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है, आराम से कर लेना ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज, परचेज 20,000 से बढ़ गई, इसने बोला ना गुड्स परचेज करे 20,000 के, यानी कि मेरी परचेजेस कितनी होगी 1,00,000। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 20,000 से बढ़ गई, पहले 30 की थी अब कितनी हो गई 50 की, तो बेटा 10 + 10/2 यानी कि बेटा एवरेज इन्वेंट्री 30,000, तो ये आया होगा बेटा 60/30, 2 times, दैट मीन्स रिड्यूस। अभी तक बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके, चलो आगे बढ़ना। परचेज रिटर्न 5,000, सर समझदार बच्चों को इशारा काफ़ी है। गंगा क्या करना चाहिए परचेज रिटर्न का? परचेज में माइनस, सर क्लोजिंग भी तो कम रह जाएगी। देख मेरी दुकान के अंदर अभी माल 30,000 का पड़ा है, अगर मैं आज 5,000 का सामान वापस कर दूं, परचेज तो कम हुई हुई, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो कम रह गई, है ना। लो बेटा ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस 5,000 से कम कर दी मैंने, बेटा क्लोजिंग स्टॉक भी बेटा कम हो गया 5,000 से, 10 + 10/2, 35/2 यानी कि 17.5, ठीक है ना बेटा। ये कितना बचा, 60/17, 35, ये 3 point something आएगा, कितना आ रहा है 3.43 times, दैट मीन इंक्रीज। चलो जी ओके, बात फिफ्थ और सिक्स सबसे मुश्किल जो बता देगा बेटा हैट्स ऑफ है उसको। हाँ जी, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, बताओ जी। मैंने बंद कर दी बुक,
हाँ मुझे तो यही पता था, मुझे तो पता है तुम पर, पूरा विश्वास है मुझे तुम्हारे टैलेंट पे। एग्जैक्टली सर, सुन लो, फिफ्थ और सिक्स पार्ट दोनों एक जैसे हैं। कहता है आपने 10,000 का, मेरी तरफ देखो, छोड़ दो बुक्स, बस हो गया बेटा, बुक्स का काम खत्म हो गया। कहता है 10,000 का गुड्स आपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाला, फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट बोलता है बेटा आपने गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिए 5,000। मैं आपको पहले कहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ ना, जब भी फंसो जर्नल एंट्री सोचो, सोचना जरा, मैंने गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए बांट दिया। बेटा परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, लेकिन बेटा अगर गुड्स मेरे बिजनेस से जा रहा हो तो मेरे को परचेज की साइड बदलनी पड़ती है, उसका इंपैक्ट कम करने के लिए क्रेडिट में लिखना पड़ता है। फिफ्थ की एंट्री होगी गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए निकाला, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स आपने एंट्री की होगी, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, यानी कि परचेज कम करो सबसे पहले तो। और अगर परचेज कम करो तो बेटा स्टॉक तो कम ऑटोमेटिकली होना ही होना है बेटा, मेरी दुकान से 10,000 का गुड्स घर चला गया बेटा, पर्सनल पर्पस के लिए ले गया प्रोपराइटर, यानी कि मैंने क्या किया होगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक एज इट इज, परचेजेस कम करी 10,000 से, इन्वेंट्री कम करी 10,000 से, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, ये लो, ठीक है ना, रेशो आएगी बेटा 4 times, दैट मीन्स इंक्रीज। और ऐसे ही बता देता हूं सिक्स पार्ट, बेटा गुड्स बांट दिए फ्री सैंपल में, गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिए, एंट्री करी होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, पहले परचेज कम फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम, यानी कि फिफ्थ और सिक्स पार्ट बिल्कुल सेम हो, ठीक है ना। सर जर्नल एंट्री सोच लेना कभी फंसो, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज का टारगेट पूरा कोटा, जितना बोला था उतना करा दिया। क्वेश्चन नंबर 61 to 70 होमवर्क, जिसने इलस्ट्रेशन करे कल वो भी बाहर चले जाना बेटा, मुझे क्वेश्चन चाहिए और कल पक्का प्रॉब्लम आएंगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।